प्रदेश के सोयाबीन किसानों के लिए खुशखबरी है। अब मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खबर एमएसपी पर होगी। आपको बताते चलें कि राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और इस बात का ऐलान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तो वहीं सोयाबीन की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदारी करने के फैसले का मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वागत किया। अब 4800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदारी होगी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। पिछले दोनों मध्य प्रदेश के किसान चिंतित थे, सोयाबीन एमएसपी के नीचे बिक रहा था। पहले हमने महाराष्ट्र कर्नाटक जैसे राज्यों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन की खरीदी की अनुमति दी थी। कल रात को ही मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आया है एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी का। उस प्रस्ताव को हमने स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश के किसान भी चिंता ना करें, सोयाबीन एमएसपी की जो दरें हैं, जो एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर खरीदा जाएगा। किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी ये खरीदी होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सदैव उनकी नीतियां किसान हितैषी रही है। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार किसानों की बेहतरी के लिए काम करती है। मुझे जैसे मालूम पड़ा कि सोयाबीन के दाम को लेकर भी किसान चिंतित है, हमने कल कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए 4,800 रुपये का जो एमएसपी की प्राइस रखी है, जिस पर किसानों को अपनी फसल का ठीक दाम मिलाने के लिए बड़ा उत्साहजनक थोड़ा सा रेट है। इस नाते से जब एक प्रस्ताव भेजा गया तो कल ही भेजा प्रस्ताव आज मंजूर हो गया है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को आभार मानता हूँ, माननीय कृषि मंत्री, माननीय वाणिज्य मंत्री सभी का आभार मानता हूँ। इसमें किसानों के लिए बड़ी राहत दी है। एक बार फिर मध्यप्रदेश सरकार किसानों के सदैव प्रगति के मामले में कामना करती है, सदैव उनके साथ खड़ी है, मेरी अपील हो सकती है। तो वहीं सोयाबीन की एमएसपी को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता और एआईसीसी सचिव कुणाल चौधरी ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। मनमोहन सिंह जी की सरकार में 1,000 की लागत पे 5,000 से 6,000 रुपए क्विंटल सोयाबीन बिका करता था और आज लागत 3,000 से 4,000 क्विंटल हो गई और सोयाबीन 4,000 रुपए क्विंटल बिकता है। और आप बातें करते हैं कि 4,894 रुपए देंगे, क्या 2 रुपए आप एमएसपी बढ़ाना सिर्फ 2 रुपए चाहते हैं? आपके मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री कहते हैं कि हम 4,800 रुपए की मांग करेंगे, वो 9,200 रुपए घटाना चाहते हैं, आप 2 रुपए बढ़ाना चाहते हैं, क्या पूरी सरकार कंफ्यूजन में है? सीधी बात है, सोयाबीन की कीमत कम से कम 6,000 रुपए क्विंटल बिके तब जाके किसान की लागत निकलेगी। ये भी मिनिमम की बात है, ज्यादा से ज्यादा तो 10,000 रुपए क्विंटल बिकना चाहिए, क्योंकि जो आपने वादा करा था अगर 5,000 रुपए क्विंटल था तो आज 10,000 रुपए क्विंटल किसानों को मिलना चाहिए।